वाह बेगम, दिखने में तो बहुत क्लास की लग रही है। आप तो क्लासिक शेफ हो गए यार। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी बन गई थी। हाँ जी, मजेदार। जल्दी जल्दी। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कॉमीडाज एंड रोमी आर की चैनल। सो आज हम लोग, तो आप लोगों ने देख लिया थंबनेल भी, क्या बनाने वाले हम लोग। फाइनली आज हम फिर से वंस अगेन वही बिरयानी बनाने लगे हैं, लेकिन उसमें नली नहीं होगी, अली बीफ होगा। तो इसलिए आप लोगों की फरमाइश थी वापस बनाना, और घर वालों की भी, तो हमने बोला आज कुछ हो जाए धमाल। क्या बोलते बेगम, कुकिंग में धमाल होना चाहिए। और यहाँ पे पोमी काट रही है, वतर मैं लल दीवाना, ये मुझे बोलते दीवाना लेके आए हो। दीवाना कहते ना पंजाबी में बोलते हैं, मेरे को ही बुलाने लगे दीवाना, तो मेरे ये समझ रही दीवाना बोल दिया मैंने। लेकिन मैंने बेगम ही ऊपर से कच्चा रहेगा, कैसे नहीं, नहीं, सही है, जानवर के लिए मैं ये खुशी से खाता है कच्चा पक्का। अच्छा, तो यहाँ पे बीफ हमने रखा है बॉईल होने के लिए। अच्छा, हमारा यहाँ पर बॉईल हो रहा है, आज बनेगी बीफ बिरयानी जो की पूमी लास्ट टाइम बनाई थी। और मैं चाहता हूँ पूमी वैसा ही टेस्ट हो, वही सारी चीजें हो, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, इधर देखो। चलो, सो अभी यहाँ पर ना मैं कर रही हूँ प्याज कटिंग, और गोश हमने रखा हुआ है, देखती हूँ कितना हो गया, आई थिंक हो ही गया, वो काफ़ी देर से रखा हुआ है, बस यहाँ पे फटाफट बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज हम दोनों का फास्ट भी है। और ये मुझे शायद से मना करें, कोई बात नहीं, क्या हमारी फैमिली है, हम उनसे शेयर कर सकते हैं। तीन प्याज बहुत ही, चार डालो, देख लो जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि बस ज़्यादा बनेंगे आज। तो यहाँ पर गोश्त देख लिया, मैं जल्दी से देख लो फिर जाओ, फ्रेश हो फ्रेश फिर वीडियो बनानी है। okay. यहाँ पर मैंने राइस रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, ठीक है। सर्ज भाभी लोग भी आए हैं, कहते जाना, मैंने कहा खाना खाकर आप लोग जाना। तो यहाँ भी गोश्त हम लोग कर रहे हैं फ्राई, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, अंदर ऐड कर दिए। यहाँ मैंने हमारा हो रहा है सालन रेडी, और राइस हमारे पास हो गए, थोड़ा सा मैंने इसको दम पे रखा हुआ, ठीक है। चलिए जी गाइस, यहाँ पर लगने वाली है तय। ओए होए 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 बेगम, मसाला कम तो नहीं? मसाला और मुझसे मिर्चें तेज हो गई हैं। तेज हो गई? मुझे लग रहा है। नहीं, वो चावल में जाएंगे तो मेरे ख्याल से सेट हो जाएगा काम, देख लेते हैं। ऑयल पहले आ गया गाइस, ऑयल, उसके बाद आ गया मसाला। इसमें तय लगा लेते हैं, ये वाली कांटी में। हाँ, इसमें लगाते हैं, तय लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि वो देश की थोड़ी छोटी सी थी। आए हाय हाय, वाह बेगम, चावल तो आपने खतरनाक बना दिए। चावल तो ऐसे हैं जैसे हो पानी की बरसात, साथ में हो चाय, साथ में हो ये वाले चावल। सस्ती शायरियाँ मेरी। तो यहाँ पर बेगम जल्दी से जल्दी करेंगे तो जल्दी से जल्दी काम होगा। और यहाँ पे पोमी जरदा रंग भी अपना डालती जा रही है, साथ साथ में तय भी लगाते जाएंगे यहाँ पर हल्की फुल्की। वाह पोमी, आज भी चावल उस दिन की तरह बने। मुझे डर लग रहा, कैसे बनी है? आपने टेस्ट नहीं किया ना? समझ गया मैं। बस बस बेगम, बस इसको पिलाओ ना चावलों को। अच्छा, और डालो मसाला, डालो मसाला। सो लास्ट है, स्टार्ट हो गई हमारी फाइनल, था फाइनल डेस्टिनेशन। दो डालो, लास्ट ये होता है कि दम लगता है। यहाँ पर दम पे रख दिया बिरयानी, अभी मतलब ये हल्की आंच पे रखा है, ऊपर इसके रखेंगे ढकना लगा के कुछ, है ना बेगम? कपड़ा रखते साथ में। वाह बेगम, दिखने में तो बहुत क्लास की लग रही है। आप तो क्लासिक शेफ हो गए यार, मैं तो बोलते एक देश का बनाते हैं और बाहर रख लेते हैं। जो ना बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, अभी मैं फ्रूट खाऊंगी, इसके बाद आराम से बराना खाऊंगी। बराना अभी नहीं खा लो मम्मी, क्यों? ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी आने का कुछ मुंह निकल के ऐसे आया है। हाँ चले जी। यमी दुआ छोड़ रही है बिरयानी तो बेगम। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है आज। सही किया थोड़ा ऑयल डाला है। गुड हो गया जी। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी बन गई थी। हाँ जी मजेदार। जल्दी जल्दी मैं बोल गया। अब इसको मैंने बोला वीडियो तो बनाओ। अब तभी तो याद है मैं बाहर से दिल नहीं करता बिरयानी खाने का। मैं इसको बोलता हूँ घर पे बना। तो यहाँ पे भाई लोग भी आए हुए। कैसी लगी भाई बिरयानी? बहुत अच्छी। हाँ आपको भाभी। मैंने तो अभी खाई नहीं क्योंकि मेरा दिल कर रहा था बहुत ज्यादा ना ये खाने को फ्रूट। तो मैंने बोला ये मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद खाऊंगी बिरयानी। मजेदार। हाँ जी बेगम अभी आप ट्राई कर रहे हो कैसी बनी? बहुत मज़े की बनी है। मैंने आपको पहले बोल दिया था सबको यही बता रहा था कि वन क्लास बनी है। फर्स्ट क्लास वन क्लास फर्स्ट क्लास सारी एक साथ वही टेस्ट है सेम टेस्ट है। बस ये कि बीच में नली नहीं है इतना फर्क है। ओए नली फिर कभी। ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने मेरे लिए चाय बनाई है। मैं साथ चाय पीऊँगा। नहीं बनी तो वाकई क्लास खत्म भी होगी। ख़त्म भी होगी तभी ख़त्म होगी। बनी अच्छी थी। असल में बनाई मैंने थोड़ी देर जितनी ज़्यादा बनाना मैंने बनाई थी तीन ग्लास तीन और हाफ जबकि मैं ज़्यादा लेकर आया था। अपने कुछ चावल रखे होंगे क्योंकि जितना चिकन वगैरह होता है उसके हिसाब से बनता है ना। चले बहुत अच्छी बनी जितनी बनी है उतनी बेहतर है। और देखो बरकत कैसी है जैसी बनी है थोड़ी सी बची है बस एक प्लेट बची होगी। वो भी मैं खाऊंगा लास्ट में रात में। शुक्र है बच गई। अगर नहीं बची होती तो मैंने एक दफ़ा ही खाई थी। अभी थोड़ी सी रात में खाऊंगा। सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो ना एक मीटिंग में जाना है तो हम रेडी हो रहे हैं। ज़रा मीटिंग जाएंगे मीटिंग से वापस आएंगे और उसके बाद हम लोग अपना फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बास्केट वहाँ से एक स्कूप लेके खा के फिर घर पे। 20 दिन खाइया आपने दो स्कूप इसको तो खिलाया मैंने। मैंने बोला था ना कि आप मुझे आदत डालो। अच्छा आज मेरा दिल करा तो मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है आप खुद बोल रहे हो कि मैं डाइट कर रही हूँ तो फिर मीठा नहीं खाते ना डाइट में इसलिए। लेकिन मैं जो डाइट करती हूँ उसमें आप खा सकते हो कभी कभी। इसका सब कुछ चलता है भाई डाइट में। फिर भी देख लो आप लोग इसको रिजल्ट मिल जाता है सर पे। सर के पास हो कि आपको पता है फ्राइडे हम प्रेयर मीटिंग भी जाते हो तो मुझे स्पेशली आज भाई ने प्रे की थी कि जो है ना सद्दफ को लेके ना शिफाया। नहीं जान गलत बात नहीं करो बात सुनो मेरी बात सुनो। नहीं जान नहीं नहीं बात सुनो वो कभी भी किसी को नहीं बोलते ये बात याद रखना। नहीं वैसे भाई ने नहीं मुझे भाभी की कॉल थी भाभी बोलते लेकिन भाई ने कभी नहीं बोला कि आओ। वो हमेशा यही बोलता है जिसने आना होगा आएगा। तो मैं लेने आई तो कह रही नहीं और हम इनको लेने के लिए यहाँ पर आए खुदा के लिए टाइम नहीं ये वो तो आएगा नहीं रात के 2 बजे आएंगे। नहीं आ रहे बस ये ऐसे ही करते बोलते कमर दर्द है ये सब दर्द वर्द ठीक हो जाएगा यहाँ पे हम एकदम सेट हो जाएंगे। बोलते नहीं आऊंगी क्योंकि मैं जलील होकर जाती हूँ।